तो होंडा की एलिवेट, जब से होंडा ने इसके नाम को टीज किया था तब से इसको लेकर के काफी हाइप क्रिएट हो गई थी। तो फाइनली आज 6 जून 2023 को होंडा ने अपनी इस एलिवेट को ग्लोबली अनवील कर दिया। एंड उसने ये जो ग्लोबल अनवील किया ये इंडिया में किया, बेसिकली दिल्ली में किया। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस अनवील के दौरान जो भी डिटेल्स यहाँ पे होंडा ने इस एलिवेट से रिलेटेड शेयर की। तो स्वागत है आप सभी का चैनल पे और इस एक और नए वीडियो में। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, यहाँ पे होंडा ने कहा कि वो जो इस एलिवेट की बुकिंग है वो जुलाई 2023 में ओपन करेंगे एंड उसके बाद ही प्राइसेस भी अनाउंस करेंगे। एंड जुलाई में बुकिंग ओपन करने के बाद जो उसका शेड्यूल लॉन्च है वो हमारे फेस्टिव सीजन के दौरान किया जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं इस एलिवेट की। एंड सबसे पहले बात करेंगे हम इसके एक्सटीरियर लुक और डिजाइन की। तो पर्सनली मेरे को जो इसका डिजाइन है वो काफी ज्यादा आई कैचिंग लगा। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये काफी ज्यादा सिमिलर है किसी भी एक ट्रेडिशनल बॉक्सी एसयूवी के डिजाइन से, बट यहाँ पे हमारे को थोड़े बहुत क्रॉसओवर अपील भी देखने को मिल जाएगी। फ्रंट में हमको काफी बड़ी ग्रिल देखने को मिल जाती है विच इज फ्लैंक्ड बाय अ स्लीक एलईडी हेडलाइट्स। उसके अलावा होंडा ने एलिवेट को ऑल अराउंड बॉडी क्लैडिंग के थ्रू डेकोरेट कर रखा है, इसको एक थोड़ा रगेड फील देने के लिए। उसके अलावा अगर आप बात करें इसके साइड प्रोफाइल की तो यहाँ पे साइड से देखने में हमको दिखेगा कि रोड पे इसको काफी अच्छा रोड प्रेजेंस मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को ब्लैक कलर के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं विद फ्लेयर्ड व्हील आर्चेस। अब अगर बात करें इसके रियर प्रोफाइल की तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगेन एसयूवी क्रॉसओवर टाइप का डिजाइन देखने को मिलेगा इसके रियर में। तो यहाँ पे एक हमको स्लाइटली रेकेड विंडो देखने को मिल जाती है, साथ ही रैप्ड अराउंड टेल लाइट्स जिसको एक रेड बार से कनेक्ट किया गया है जो एक लाइट बार का लुक देता है। तो जैसा मैंने कहा, जब ये गाड़ी रोड पे चलेगी तो इसका अपना खुद का एक रोड प्रेजेंस होने वाला है। तो अगर मैं इस ओवरऑल लुक को समराइज करूं तो पर्सनली मुझे होंडा एलिवेट का जो लुक है या डिजाइन है काफी पसंद आया। बाकी आप कमेंट करके ये बताओ कि आपको ये देखने में कैसी लगी। एंड अब अगर बात करें इस होंडा एलिवेट के डायमेंशंस की तो जो एलिवेट है वो 4312 mm लॉन्ग है, 1650 mm की हाइट मिल जाती है एंड इसमें हमको 2650 mm का व्हील बेस मिल जाता है जो कि सिमिलर ही है ऑलमोस्ट क्रेटा के। बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात नोट करने वाली है वो ये कि इसमें हमारे को 458 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है एंड 220 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस जो कि क्रेटा से काफी ज्यादा है। तब अगर बढ़े इंटीरियर की तरफ तो यहाँ पे होंडा ने एक्सटीरियर की तरफ इंटीरियर में भी काफी काम किया है। तो यहाँ पे अब आपको बहुत ही ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे को एक डुअल टोन ब्लैक एंड ब्राउन कलर का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे हमारे को लेदरेट की अपोस्टी दी गई है फॉर अ स्केल फील। उसके अलावा यहाँ पे हमारे को काफी ज्यादा रिच ऑफरिंग की जा रही है इन फीचर्स ऑल्सो। जैसे यहाँ पे हमारे को इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल रहा है, बट उसमें एक ड्रॉबैक ये है कि वो सिंगल पेन है। साथ ही यहाँ पे हमारे को 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफर किया जा रहा है, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड ऐप पर कारप्ले मिल जाएगा, साथ ही यहाँ पे 7 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जा रहा है। उसके अलावा वायरलेस फोन चार्जिंग एंड वेंटिलेटेड फ्रंट सीट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। बट यहाँ जो सबसे सही चीज लगी वो ये कि होंडा अपनी इस एलिवेट में भी उसकी जो सेंसिंग अडास टेक्नोलॉजी है वो ऑफर कर रही है। तो इसमें हमको उसके अडास के अंदर कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल हो गया, लेन कीप असिस्ट हो गया, रोड डिपार्चर वार्निंग हो गया या फिर ऑटोमेटिक हाई बीम असिस्ट जैसे फीचर्स मिल जाएंगे। एंड एट प्रेजेंट ओनली मिड साइज एसयूवी जो ये फीचर्स ऑफर करती है वो है एमजी एस्टर। एंड इस अडास फीचर्स के अलावा हमारे को इसमें 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाएगा, हिल होल्ड असिस्ट मिल जाएगा, हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। एंड अब अगर बढ़े इसके इंजन की तरफ तो इस एलिवेट में हमको होंडा सिटी का 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि 121 पीएस की पावर जनरेट करेगा एंड 145 Nm ऑफ टॉर्क। एंड ये हमारे को 6 स्पीड के मैनुअल एंड सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आएगी एंड सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले में हमारे को पेडल शिफ्टर्स भी ऑफर किए जाएंगे। तो जैसे मैंने अपने पहले भी कई वीडियो में बताया था कि इसमें आपको कोई भी डीजल इंजन ऑप्शन नहीं मिलने वाला, बट आने वाले टाइम में मे बी होंडा इसको में 1.5 लीटर का इंजन ऑफर कर सकती है विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जैसा हमने सिटी हाइब्रिड में देखा था। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्राइस, कि हमारे को इस होंडा एलिवेट के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस होंडा एलिवेट के लिए हमारे को 11 से 11,15,000 या 20,000 रुपए एक्स शोरूम तक देना पड़ सकता है एंट्री मॉडल के लिए। एंड ये सीधे राइवल करेगी हुंडई की क्रेटा, किया की सेल्टोस, वोक्सवैगन की टाइगुन, स्कोडा की कुशाक, एमजी की एस्टर, मारुति की ग्रैंड विटारा एंड टोयोटा की हाईराइडर से। तो इंडिया में मिड साइज एसयूवी का जो मार्केट है बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। एंड यहाँ पे देखते हैं कि होंडा की एलिवेट कैसा परफॉर्म करेगी। तो अभी अगर देखा जाए तो इसमें जो 3 सबसे अच्छी चीज ऑफर करने को है अभी जो मेरे को देखने को लगी, सबसे पहले तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस, दूसरा इसका बूट स्पेस एंड तीसरा इसमें मिलने वाली अडास टेक्नोलॉजी।
एंड जो एक ही ड्रॉबैक मुझे अभी तक लग रहा है वो ये कि यहाँ पे हमारे को सिंगल पिन सनरूफ ऑफर किया जा रहा है, जहाँ बाकी सब में हमारे को पैनोरमिक सनरूफ मिलता है। बाकी अगर ओवरऑल डिजाइन को मैं इसके कंपेयर करूँ अदर एसयूवी के मुकाबले, तो ये अपने आप को थोड़ा सा तो स्टैंड आउट करती ही है। बाकी आपकी क्या राय है इस होंडा एलिवेट को लेकर के कमेंट करके जरूर बताना। एंड बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलेंगे हम आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।